चीन भारत के बीच बिगड़े रिश्तों की रोशनी में दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठे। मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मीटिंग में भी चीन ने अकड़ दिखाने की कोशिश की। चीनी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर सेना की डींग हाकी और कहा कि चीन की सेना किसी भी मुकाबले का सामना करने को तैयार है। चीन ने बड़ी बेशर्मी के साथ गलवान में मुठभेड़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की और मौजूदा तनाव के लिए भी भारत को ही कसूरवार ठहराया। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन एक जिम्मेदार देश जैसा रवैया दिखाएगा और लद्दाख में LAC पर तैनात अपनी सेना को पूरी तरह वापस करने के लिए कदम उठाएगा। भारत ने कहा कि चीन को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़े। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच 2 घंटे 20 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने कहा, बॉर्डर से जुड़े मुद्दों की वजह से दोनों देशों और दोनों सेनाओं के बीच रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। चीनी रक्षा मंत्री ने कूटनीतिक चालबाजी दिखाते हुए तनाव के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर मौजूदा तनाव के क्या कारण हैं और क्या सच है, ये बात साफ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत के ऊपर है। लद्दाख में भारत की सख्ती ने चीन की अकड़ ढीली कर दी है। इससे तिलमिलाए चीनी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से अपनी सेना की शेखी बघारी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा, चीन अपनी जमीन नहीं खो सकता और चीन की सेना पूरी तरह से अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है। चीनी प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में दोनों देशों के लिए बॉर्डर पर शांति और सहज माहौल की जरूरत है। हमें सभी स्तर पर बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, चाहे वो सैन्य वार्ता हो या फिर कूटनीतिक, और संवाद और संपर्क से बातचीत को हल करना चाहिए।